आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष 2023 में 21 सितंबर से 14 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। मान्यता है जो श्रद्धा से किया गया वही श्राद्ध है। पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा मानी गई है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने से पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। पुत्रों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत ना कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। श्रद्धापूर्वक इसे किया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुण्य सलिला वैनगंगा के लखनवाड़ा तट पर विराजी हैं माता वैनगंगा। यहाँ उनकी प्रतिमा है और यहाँ श्राद्ध देखिए किस तरह से पितृपक्ष में तर्पण किया जा रहा है, जल दे रहे हैं विधि विधान के साथ। ब्राह्मणों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ ये कर्म कराया जाता है और सूर्योदय के पूर्व से ही ये काम आरंभ हो जाता है। सूर्योदय के आरंभ से सूर्योदय के पहले से ही ये कार्य आरंभ होता है और लगभग 11 बजे तक चलता है। और जो भी यहाँ पर ब्राह्मण ये कार्य कराते हैं वे पूरी तरह निशुल्क समर्पण भाव से विधि विधान से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही इस काम को कराते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या पर आप उन्हें जो भी दान देना चाहें, दक्षिणा देना चाहें आप दे सकते हैं, पर उनके द्वारा ये दान दक्षिणा किसी से चाही नहीं जाती, उनकी चाहत कुछ भी नहीं होती है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस पर उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के बाद दशग्रात्र और षोड़शी सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है प्रेत होती है। प्री के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसे उसके अंदर मोह माया भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर जो तर्पण किया जाता है वह पितृ प्राण स्वयं आप्यावित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसके परिवार के जो अव जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह अभ्य प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से यह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं, इसलिए इसे पितृपक्ष कहा जाता है और इस पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त होता है, इस तरह की मान्यता है। लखनवाड़ा घाट पर विभिन्न आचार्यों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पितरों का तर्पण कराया जाता है, पितरों को जल दिलाया जाता है। देख सकते हैं आप कितने विधि विधान के साथ यहाँ पर पुण्य सलिला वैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर ये पितृ तर्पण कर हो रहा है। और इसके अलावा वैनगंगा के परतापुर घाट पर भी ये नियमित तौर पर जारी है। पितृ पक्ष में पितृमोक्ष अमावस्या तक ये कार्य किया जाता है। और पुण्य सलिला वैनगंगा में देखिए जल के अंदर बैठकर पितरों को जल दिया जा रहा है। इसके लिए आचार्यों का कहना है कि आवश्यक सामग्री के रूप में लोगों को तिल जौ चावल उसके अतिरिक्त पैथी जो बाजार में आपको मिल जाती है, एक लोटा सूर्य अर्घ के लिए, धोती और गमछा जनेऊ, ये आवश्यक सामग्रियां हैं जो आपको लेकर जानी होती हैं। सुबह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचते हैं और अपने पितरों को जल देते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग घाटों पर बैठकर जल देते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पंडित उपेंद्र तिवारी के द्वारा, आचार्य उपेंद्र तिवारी के द्वारा यहाँ पर यह कर्म कराया जा रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं।
बैनगंगा पुण्य सलिला है और इसके लखनवाड़ा घाट पर ये लगातार जारी है। ये 14 अक्टूबर तक चलेगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।